नमस्ते दोस्तों, आज हम आ गए हैं बड़ी ही प्यारी जगह और जगह का नाम है क्राफ्ट म्यूज़ियम। प्रगति मैदान के बिल्कुल पास है। लोकेशन की टेंशन ना लो, डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप डाल दिया है। और जहां हम खाना खाने आए हैं उस जगह का नाम है कैफ़े लोटा। आपको स्ट्रीट फूड तो बहुत दिखा दिया, सोचा कुछ आज बढ़िया सी जगह ले कर चलते हैं, तो इसलिए यहाँ आए हैं। मौसम भी बढ़िया है, यहाँ आना मैं प्रेफर विंटर्स में ही करता हूँ क्योंकि ये ओपन रेस्टोरेंट है। समर्स में इन्होंने कूलिंग का अरेंजमेंट तो किया है, लेकिन बेस्ट टाइम मैं विंटर्स ही प्रेफर करता हूँ यहाँ आना। ये बिल्कुल हम कैफ़े लोटा के बाहर खड़े हैं। एक्चुअली भीड़ काफ़ी है, वेटिंग कर रहा हूँ कि टेबल मिल जाए। आपको एरिया दिखा देता हूँ, कितनी प्यारी जगह है। सामने वो म्यूज़ियम है, और यही वो सीढ़ियाँ हैं, यही रास्ता है जहाँ से हम एंटर हुए थे। ये सामने ये म्यूज़ियम की फ़ीस 20 रुपीज़ है, और फॉरनर्स के लिए ये आई गेस 200 था शायद। आप जब आएंगे यहाँ, सबसे पहले ये रिसेप्शन पे अपने लिए टेबल बुक करा लीजिए। मैंने टेबल बुक करवा लिया है और मेरे पास SMS में लिखा आया कि मेरा 10वां नंबर है, क्योंकि मेरे आगे अभी 10 लोग और हैं। टैबलेट में आपकी इन्फॉर्मेशन सेव कर ली जाएगी। ये आपको अभी इतनी देर में अंदर से दिखा देता हूँ कि कितना सुंदर और प्यारी जगह है ये। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा फॉरनर्स भी काफ़ी आए हुए हैं। फॉरनर्स के लिहाज से देखा जाए तो रेट उतने हाई नहीं है, तो ये मत सोचना कि अगर फॉरनर्स वाली जगह है, आते हैं, रेगुलर आते हैं, तो महंगी होगी जगह, ऐसा नहीं है। रेट्स नॉर्मल। ऊपर आप छत देखिए, बिल्कुल ओपन है। मैं तो यहाँ आना पसंद करता हूँ नवंबर से लेके मार्च के बीच में। लो भाई, फाइनली 1 घंटे की वेटिंग के बाद टेबल मिल गया और ये फूड सर्व हो गया है। सबसे पहले मैंने मंगवाया है पालक पत्ता चाट, और आज कुछ यूनिक ट्राई कर रहे हैं। कोकुम सोडा की ड्रिंक है ये, कोकुम। अगर आपको कोकुम नहीं पता, थोड़ा गूगल करिए, आपको पता लग जाएगा कि कोकुम क्या है। चलिए खा के बताते हैं ये कैसा है। बढ़िया है भाई, ये तो बहुत बढ़िया। ये है दाल चीला। ये ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी पैसे देके नहीं खाई, हमेशा शादियों में ही खाई है। कई बार कोई वेज फूड वाली शादी में जाता हूँ तभी खाता हूँ, ये याद नहीं मैंने ये कभी खरीद के खाई हो। लेकिन यहाँ की ये स्पेशलिटी है, इसलिए ऑर्डर की है। और ये जनरली जैसा चीला हम बाज़ार में देखते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। फिलिंग भी देखिए कितनी बढ़िया फिलिंग है इसमें। खाने में ये भी अच्छा है। ये देखिए, इसमें पनीर है, बीन्स है, पत्ते हैं, और ये टमाटर है। थोड़ा सा हैवी है पनीर की क्वांटिटी, इसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग है।
उससे मुझे थोड़ा सा ये हैवी लगा पीस। लो भाई, मेन कोर्स में आ गया है किंग ऑफ विंटर्स, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। ये साग देखिए, कोई ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं लग रहा, वाइट बटर, साथ में ये गुड़ भी है। ये बहुत बढ़िया थाली सजा के भेजी है इन्होंने, रोटी तो सही है, देखने में तो एकदम टिप टॉप लग रहा सब। चलो थोड़ा सा खा के देखते हैं, खल लगा लिया जाए थोड़ा सा। साग बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई फालतू मसाले नहीं, कोई फालतू मिर्चे नहीं, एकदम परफेक्ट जैसा हम घर में बनाते हैं बिल्कुल वैसा, कोई फालतू ऑयल नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, परफेक्ट, बिल्कुल हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। कैफे लोटा में आपको दूसरी स्टेट्स का भी खाना मिल जाएगा, जैसे बिहार, राजस्थान का भी, तो आप वो ट्राई करें, मुझे बताना ज़रूर कैसा। लो भाई, अब हमारी हो गई है डिज़र्ट सर्व। कोई गेस कर सकता है ये क्या है? डोनट जैसा लगने वाला, गेस करो ये क्या हो सकता है? गैस करो, गैस समझ आए कुछ तो, गैस कर लो भाई। ये हमारी महान, महान से भी महान जलेबी, ये देखिए रस निकल रहा है जलेबी का, देखिए कभी ऐसी जलेबी। और इस जलेबी की खासियत क्या, इसमें एप्पल है, एप्पल जलेबी। कैफे लोटा हो तो बोरिंग फूड से तो आपको छूट मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत बढ़िया इन्होंने फ्यूजन किया है फूड के साथ, और ये रबड़ी है बिल्कुल इसके साथ सर्व की गई। चलिए इसको खा के देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं फोक के साथ खा नहीं पाऊँगा इसको ठीक से, तो वही अपना देसी स्टाइल यूज़ करते हैं। लो भाई देसी स्टाइल, मीठा काफ़ी तेज बट अच्छा है, डिफरेंट है। चलते चलते ही आपको मैं थोड़ा सा रेट्स वगैरह, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए, उनको रेट्स दिखा देता हूँ। ये 5% GST लगा है, GST के बाद ये आप प्राइस देख लीजिए, जलेबी की प्राइस है, दाल के चीले की प्राइस, कोकुम सोडा, पालक पत्ता चाट, सरसों का साग। अगर आप कोई बढ़िया सी जगह ढूंढ रहे हैं, डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर आएँ। जो इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है उसको बहुत बड़ा थैंक यू, नहीं जुड़ा भाई जुड़ जो जल्दी, लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए, थैंक यू।